नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप लोग के पास में डायरेक्ट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग कहते हैं कि घुटने में दर्द हो गई है, डाँड में दर्द हो गई है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को घुटने की दर्द है, घुटने की दर्द नहीं जाती है, तो आपको उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले सब्जी में लहसुन तो ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि लहसुन लीजिए 5-6 कली और थोड़ा सा अजवाइन। और याद रखिएगा, थोड़ा सा अजवाइन लेना है, 5-6 कली लहसुन थोड़ा थोड़ा बारीक काट लेना है, और सरसों के तेल में उसको धीमी आंच पर पूरा पका लेना है। पकाने के बाद में आपको घुटने में मालिश करना है। अगर आप लोग 5 से 6 दिन करेंगे तो बरसों पुराना घुटने का दर्द जो होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपको कनेल का पत्ता लेना है, उसको पानी में उबाल देना है। पानी में उबालने के बाद में उसको सिलवटे पे पीस लेना है। जिस पे मसाला पीसी जाती है उस पे नहीं पीसना है, नहीं तो वो पड़पड़ाने लगता है। वो ऐसे पत्थर पर पीसना है जिस पर कुछ नहीं पिसाया हो। उसके बाद में पीसने के बाद में चटनी की तरह आपको उसमें सरसों का तेल मिला लेना है। मिलाने के बाद में पूरा मिक्स करना है। उसके बाद में उस घुटने पे लेप करना है। अगर आप लोग कुछ ही दिनों तक करेंगे तो आपकी घुटने की बीमारी जो है वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। जैसे कि जो पुराना घुटने का दर्द हो जाता है, डाँड में दर्द हो जाता है, तो डाँड में का दर्द जो है तो आपको तेल मालिश करना पड़ेगा। जैसे कि जो लहसुन पका लीजिए और उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए और सरसों के तेल में धीमी आंच पे पकाना है, जी कि जले ना। उसके बाद में उस तेल को निकाल करके एक शीशी में भर करके रख दीजिए। आ कभी भी आप लोग लगा सकते हैं, इसी का दवा बनता है। अगर डाँड में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, तो उस तेल को मालिश कर सकते हैं। ऐसे करने से आप लोग कुछ दिन तक करेंगे तो आपकी दर्द जो है वो पुराना बरसों दर्द वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के घर में खुशियाँ हमेशा हर वक्त मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।